रोज रोज वही पुराने तरीके से भिंडी की सब्जी खाकर अगर आप हो चुके हैं बोर, तो आज हम बनाएंगे नए तरीके से और यूनिक तरीके से भिंडी की ये सब्जी। एक बार अगर आप इस नए तरीके से भिंडी की सब्जी खाएंगे दोस्तों, तो आप पुराने तरीके की भिंडी की सब्जी खाना भूल जाएंगे। पुराने तरीके की भिंडी तो आपने कई बार खाई होगी, और प्याज वाली भिंडी या बिना प्याज वाली या फ्राई वाली या दही वाली भिंडी खाकर हो चुके हैं बोर। तो ये नए तरीके से आप भिंडी की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस रसोई में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं आज की ये यूनिक स्टाइल में भिंडी की रेसिपी। मैंने 1 किलो भिंडी ले ली थी, इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने भिंडी को ड्राई कर लिया था, फिर मैंने इसको स्लाइस में कट कर लिया था। आप चाहे तो इस गोल स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। अक्सर इसी तरीके से बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि भिंडी क्या होता है, जो गोल गोल कटती है तो बनाने के बाद वो थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन स्लाइस में काटने से ये होता है कि भिंडी आपकी उतनी कम नहीं होगी, फिर भी ठीक ठाक रहेगी। और स्लाइस में कट करने से दूसरा ये फायदा है कि इसके अंदर जो कीड़े होते हैं ना, वो आसानी से हमें दिख जाते हैं और हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं उस भिंडी को। इसके लिए हमने कौन कौन से चीज़ें पहले तैयार करके रखनी है, तो सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट करके उनको हमने खोल के रख लिया था, क्योंकि इस जब सब्जी में यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा। उसके बाद 2 छोटे साइज़ के प्याज को हमने फाइन चॉप करके रखा हुआ है, साथ ही 2 टमाटर को भी हमने फाइन चॉप करके रखा हुआ है। 2 टमाटर को हमने उसके अंदर का जो बीज है उसको हमने अलग से, जो हमने फाइन को चॉप करके रखे टमाटर, उसी में हमने बारीक करके रख दिया था। इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया। इस तरीके से पीजे में भी कट किया जाता है टमाटर को। हमने लिए हैं 5-6 कली लहसुन की, और थोड़ा सा अदरक को हमने फाइन चॉप करके रखा है। 3 मैंने हरी मिर्च लिया, जिनको मैंने 2 स्लाइस में कट करके रखा है। ये हरी मिर्च जो है ज़्यादा तीखी नहीं है। तो अब हमने ले लेनी एक छोटी सी कढ़ाई, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हम थोड़ा क्रैकल होने के बाद चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन था उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिससे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे उसमें प्याज। प्याज को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज ब्राउन नहीं हो जाता है। प्याज जल्दी ब्राउन करने के लिए उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। और अब जो है कि हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, उसमें ऐड किया हमने 1/2 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच हमने ऐड किया धनिया पाउडर। और इसको हम थोड़ी देर तक प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे मसालों को। साथ के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर तक इसी तरीके से पकाएंगे। इसके बाद ऐड करेंगे उसमें स्वाद अनुसार नमक। स्लाइस में मिर्च को काट के रखा था वो ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेना है। और प्याज के साथ मसाले भी अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तो अब हमने जो टमाटर को बारीक चॉप करके रखा था वो ऐड कर देना है। फिर मिक्स करने के बाद इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देता है। तब तक मसाला अच्छी तरीके से पकेगा, तब तक हम ले लेंगे एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और फिर जो हमने स्लाइस में प्याज को कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे, और इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हम उसमें भिंडी। भिंडी को हम 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे, अल्टा पल्टी करते जाएंगे इसको, तब तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता है। इस भिंडी में जो है ना लेसपन होता है वो थोड़ा सा निकल जाता है, और कई बार क्या होता है कि भिंडी अगर गीली रह जाए, उस पर पानी रह जाए, तो उससे और भी ज़्यादा लेसपन आता है भिंडी में। तो इसलिए भिंडी को भूनना बहुत ही ज़रूरी है इस तरीके से, थोड़ा सा ऑयल के साथ में। और अब हमने इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए भून लिया है। उसके बाद जो हमने टमाटर को स्लाइस में कट करके रखा था वो हमने ऐड कर देने, और इसको हमने 2 मिनट तक और भून लेना है। भिंडी भी हमारे अच्छे से भून चुकी है, और प्याज भी भून चुका है, साथ ही टमाटर भी अब भूनने जा रहे हैं। तो ये 2 मिनट तक हमने भून लेना है। उसके बाद अब भिंडी का जो कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है। भिंडी हमारे लगभग 90% गल चुकी है, और अब रहेगी 10%, तो उसको हम मसाले के साथ पकाएंगे। तो अब मसाले ने भी हमारा अच्छे से ऑयल छोड़ दिया, और उधर हमारी भिंडी भी अच्छे से भून चुकी है, फ्राई हो चुकी है। भिंडी भी अच्छे से भून चुकी है, भिंडी का जो लेसपन है वो भी निकल चुका है। अब जो है कि हमने जो मसाला है उसको हमने इस तरीके से भिंडी के ऊपर फैला लेना है, और फिर इसको भिंडी के साथ हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसको हमने ढक्कन नहीं देना, इसी तरीके से इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक आपको इसको इसी तरीके उल्टा पलटी करते जाना है, ताकि भिंडी में मसाला जो है अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए। मसाला हमने बनाया उसका टेस्ट भी आए, जो प्याज हमने भुना है उसका भी टेस्ट आएगा, और साथ ही जो टमाटर को हमने स्लाइस करके रखा था उसका टेस्ट। तरीके से भिंडी टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, एक सब्जी में आप भिंडी रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से भिंडी दिखने में भी अच्छी लगती है, साथ ही जो गेस्ट खाएंगे वो भी आपसे एक ही सवाल करेंगे कि आपने ये भिंडी कैसे बनाई,
हम भी वही पुराने भिंडी खाकर हो चुके हैं बोर। 4 से 5 मिनट हमने इसी तरीके से लो फ्लेम में भून लिया है और मसाले को अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स कर लिया है। मसाला भी अब अंदर से अच्छी तरीके से जा चुका है। हमारी बहुत ही खिली खिली और टेस्टी और यूनिक स्टाइल में भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। आप जरूर ट्राई रेसिपी को और साथ ही कमेंट करके भी आपको ये रेसिपी कैसे लगी। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।